इतना समझाया माधवी को कि गुस्से में पैसों की बर्बादी मत करो, फिर भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और चली गई रिक्शा में। और साड़ियां भी इसने भारी करने दी, हो गई सब पैसों की बर्बादी। और ऊपर से मैडम होटल में खाना खा के आई। माधवी को क्या लगता है वो खाना नहीं बनेगी तो मैं भूखा रहूंगा? अरे मैं अपने हाथों से खाना पका सकता हूँ। हमारे जमाने के लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते हैं। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। माधवी ही होगी, आखिर गलती का एहसास हो ही गया। पत्नी पति को भूखा देख ही नहीं सकती। करेक्ट। आ गई आप भीरे भाई। बबीता जी, अंजलि भाभी, आप यहाँ अचानक? क्यों, हम नहीं आ सकते? नहीं नहीं, आ सकते हैं, लेकिन क्या है, आप अचानक आ गई ना, तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया। आइए ना, आइए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। एक मिनट भीरे भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? माधवी भाभी नहीं है क्या? वो माधवी अपने सहेली के घर गई है ना, इसलिए। ओके ओके, आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। ओके ओके ओके, लेके। सुनो, भीरे भाई ने ये कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के पास गई है, जबकि माधवी भाभी अचार पापड़ की डिलीवरी करने गई है। फिर भी ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भीरे भाई, सब कुछ ठीक है ना? ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, आपका मूड ठीक नहीं लगा इसलिए आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। सब ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा ओके, माधवी भाभी कब तक लौटेंगी? उसे आने में वक्त लगेगा, वो रिश्तेदार के यहाँ गई है ना। एक मिनट भीड़े भाई, आपने तो कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के घर गई है, तो फिर? अच्छा भीड़े भाई, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीरे भाई, कुछ तो है, आप पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ, देखिए ना, हमारी बात सुनते ही आपके चेहरे पर एकदम टेंशन आ गया, आपका चेहरा पूरा उतर गया। नहीं नहीं, वो क्या है कि? हाँ बोलिए ना भीरे भाई, वो क्या? हाँ भीरे भाई बोलिए ना प्लीज। देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली जैसे ही है ना। अब इन्हें सच कैसे बताऊं कि मेरा मूड वाकई खराब है, क्योंकि मेरा माधवी के साथ झगड़ा हुआ है। बबीता जी, मुझे तो सच में लग रहा है कि माधवी भाभी और भीड़े भाई के बीच जरूर कुछ हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? नहीं, वो माधवी भाभी हमें नीचे मिली ना, तो उनका मूड ठीक नहीं था, है ना? हाँ, वो हमने उन्हें हाई किया था तो फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये दोनों जानती थी पहले से कि माधवी घर पे नहीं है। अच्छा, शायद कुछ सोच रही होगी माधवी। हाँ वही तो, हमें भी लगा कि वो कुछ सोच रही है। हाँ लेकिन भीड़े भाई, माधवी भाभी क्या सोच रही होगी वो आप हमें बता सकते हैं? अभी माधवी क्या सोच रही होगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना? भीड़े भाई, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और माधवी के बीच झगड़ा हुआ है? माधवी ने बताया? नहीं नहीं नहीं, माधवी भाभी ने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ पर हमने दूर से देखा तो आप माधवी भाभी पे नाराज हो रहे थे और उन पे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। हाँ भीरे भाई, अब तो बता दीजिए कि आप दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ है? बबीता जी, झगड़ा है, सच नहीं हुआ है, थोड़ी सी बहस हो गई थी, और कपस में तो छोटी मोटी बहस तो होती रहती है ना। हाँ वो तो है, पर क्या है ना, माधवी भाभी हमें कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। पक्का माधवी ने सब बता दिया है। भीरे भाई, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि माधवी भाभी थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। हाँ हो सकता है पापड़ की डिलीवरी का टेंशन हो, बाकी आप जैसा सोच रहे वैसे कोई बात नहीं है। ओके, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, बट हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ हो तो आप प्लीज एक दूसरे को मना लो ना।
तो मुझे खातरी हो गई है कि माधवी ने हमारे झगड़े के बारे में इन दोनों को बताया है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जैसे ही माधवी भाभी घर आए आप उनको सॉरी ऐसा बोल के मामला रफा दफा कर देना। पता है भिड़े भाई, मेरा और तारक का जब भी झगड़ा होता है ना, चाहे कसूर मेरा हो, पर जब तारक मुझे सॉरी कहते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको तुरंत माफ भी कर देती हूँ। जब तक मैं इन दोनों को सॉरी के लिए हाँ नहीं कहूंगा ये दोनों मानने वाली नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माधवी को आते ही सॉरी कह दूंगा। हाँ, और वैसे माधवी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। आपने जैसा कहा ना मैं वैसा ही करूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का।